Question given here, the current in a circuit having constant resistance is tripled, the power increase. और ये student demand question था, तो basically is Aschamps का एक related question है. So as well we know that इस case में तो basically क्या बन रहा है, हमें let's suppose एक circuit है and एक लोड यहाँ पर लगाया गया है R1 और ये V1 इस सर्किट का वोल्टेज है जिसकी वजह से इसमें I1 करंट बह रहा है ना. तो इस सर्किट में आपको बोला गया है कि अगर बेसिकली अगर हम इस सर्किट का पावर निकालने जाएं तो व्हाट वी विल हैव पावर 1 करके, तो V1 इनटू I1 या फिर आप कह सकते हैं स्लैश I स्क्वायर I1 इनटू स्क्वायर R1 या आप कह सकते हैं v स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन r1 है ना. तो दिस काइंड ऑफ थ्री अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसके लिए आप पावर 1 निकाल सकते हैं. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए एक बार, है ना, कि कह रहा है कि द करंट इन अ सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि जो सर्किट में करंट के लिए है सेकंड टाइम में आप जब सर्किट का रेजिस्टेंस को आप कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी कि अब अगर आप जो रेजिस्टेंस है वो आपने पहले के जैसे ही रखा है लेकिन करंट यहां पर जो आई आपका जो आई टू है वो ट्रिपल हो चुका है आई वन का, यानी कि करंट को तीन गुना किया गया है ना. तो करंट को आपने किया गया है तीन गुना. तो अगर आप पावर के फॉर्मूले से बाय जाएं बाय दिस फॉर्मूला, है ना, तो पावर इज व्हाट आई स्क्वायर इनटू आर. तो अभी क्योंकि रेजिस्टेंस वही है लेकिन करंट को तीन गुना कर दिया है तो तीन आई वन का स्क्वायर इनटू आर, यानी कि 9 आई वन का स्क्वायर इनटू आर. और आई वन का स्क्वायर इनटू आर क्या था हमारा, आई वन का स्क्वायर इनटू आर था हमारा पावर का एक और मेथड जो पहले भी मैं बता चुका था. तो पी वन यानी कि जो हमारा जब करंट दुगना कर दिया जाएगा तब जो पावर होगा 9 टाइम ऑफ पी वन हो जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर, द पावर विल बी 9 टाइम ऑफ द पावर यू नो अर्ली स्टेज में जो था. Basically the question is that. Thank you so much.